देखा जाए तो दूध को जल से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए दूध का मूल्य जल से तनिक अधिक है। अब यदि इसी दूध का अब दही बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और समय के लिए बढ़ जाती और इसका मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब इसी दही का यदि आप माखन बनाओगे तो इसकी जीवन आयु कुछ और सप्ताहों तक बढ़ जाती है और मूल्य कुछ और मुद्राएं अधिक। अब यदि इसी माखन का आप घी बनाएंगे तो इसकी जीवन आयु वर्षों तक चलती है और मूल्य माखन से कुछ और अधिक मुद्राएं। इन सब का मूल दूध ही है, किंतु इन सब की जीवन आयु में, इन सब के मूल्य में इतना अंतर क्यों? इसका कारण ये है, दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए बिलोने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए घंटों तप आंच पर ताप सहना पड़ा, तब जाके ये माखन घी बना, तब जाके इसकी आयु इतनी बड़ी, तब जाके इसका मूल्य बढ़ा। अब हम मनुष्य, हम सारे मनुष्य एक समान दूध की भांति, किंतु महान वही बनते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संकटों का सामना करते हैं, जो इन चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। अगर ये सब करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे, तभी जीवन में आपके यश की आयु बढ़ती जाएगी और तभी ये संसार आपको महत्व देता जाएगा। राधे राधे।